हेलो। हाँ खन्ना साहब। मैडम एक अर्जेंट काम आ गया है, मैं अपने जूनियर को भेज देता हूँ। क्या बात कर रहे हैं खन्ना साहब, मेरा काम कौन करेगा? आप फिकर मत करिए, वो अपना ही आदमी है, आपके काम में कोई भी कमी नहीं होगी। ठीक है। पलक, तूने कहा था ना कि मैं सब कुछ तुझे दे दूंगी, तो तूने वो जो झूठा केस हमारे ऊपर किया है वो तू वापस ले लेगी? हाँ हाँ सासू माँ, कहा था ना मैंने, आप पहले साइन कर दीजिए, वो क्या है ना उसके बाद फिर मैं अपना फर्जी वाला केस भी विड्रॉल कर लूंगी। वो कहते हैं ना कि इस हाथ से लो और इस हाथ से दो। चलो चलो साइन कर दो। आइए यहाँ पे साइन कीजिए, यहाँ पर। आइए पलक जी। सासू माँ, अगर आप ये पेपर्स पहले ही साइन कर देती। अफसोस, आपको इतनी बेइज्जती नहीं सहनी पड़ती। मुबारक हो। थैंक यू। आपको नहीं आंटी जी, आपको। आ जाइए सर। जॉब सब इंस्पेक्टर कुमार। थैंक यू सर। खन्ना साहब, ये सब क्या मामला है? अरे रुकिए 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 पलक जी, इतनी कंफ्यूजन किस बात की है? मैं बताता हूँ कि क्या मामला है। हेलो चौहान साहब, और फिर हमने एडवोकेट खन्ना से आपकी सारी प्लानिंग खुलवाई। पलक जी उनसे उनकी सारी प्रॉपर्टी लेना चाहती हैं। कल पेपर साइन कराने आपकी जगह सब इंस्पेक्टर कुमार जाएंगे, और आप उनको फोन करके बोलेंगे कि आप किसी काम में व्यस्त हैं इसलिए अपने जूनियर को भेज रहे हैं। और उसके बाद हमारे चौहान साहब ने आपके प्लान में आपको फंसाने का एक नया प्लान बनाया। क्या बात कर रहे हैं खन्ना साहब, मेरा काम कौन करेगा? जी आपके काम में कोई कमी नहीं होगी, डोंट वरी। तो बताइए कैसी रही? और ये रहा इनका रिकॉर्डेड बयान। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। थैंक यू आपको अनुराग को बोलना चाहिए, कानून के रखवाले होने के नाते कई बार हमें सामने वाले की असलियत पता होने के बावजूद हम उन पर कोई एक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि हमारे हाथ कानून से बंधे होते हैं। जो सख्त कानून औरतों की रक्षा के लिए बना है, उस कानून की सख्ती का कुछ औरतें अपने मतलब के लिए गलत फायदा उठा रही हैं। आपके केस में अनुराग का साथ होने की वजह से हमें पलक और उसकी मां की असलियत का पता चल सका। लेके चलो इन सबको। अनुराग जीते रहो मेरे बच्चे। नहीं नहीं आंटी, ये तो मेरा फर्ज था। मेरे बच्चे। आओ चलते हैं, सलील को रिहा कराना है। लड्डू के भैया। अंगूर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया। बेबी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. Ah, God. जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा उसकी सारी दुनिया मैं खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी यही बताने आपको यहाँ लाए ताकि अभीर मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है।
बाबा आ गए। पुलिस ने जरूर से विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था। कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर, मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।